हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का स्वागत है। आज बना रही हूँ आप सभी के लिए गुड़ वाली पिन्नी। तो गुड़ वाली पिन्नी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ 300 ग्राम मैंने करीब चावल लिया है, चावल का आटा, जैसे देखे तो एक कटोरी है। यहाँ मिल्क पाउडर लिया है, इलायची ली है, साथ में कोकोनट पाउडर लिया है, गुड़ लिया है, 2 चम्मच शक्कर लिए है, सारे ड्राई फ्रूट हैं, मखाने हैं, काजू है, पिस्ता है, मगज़ है, चिरौंजी और बादाम, इन सबको मैंने चॉप कर लिया है। चलिए चावल के आटे को हम भून लेते हैं, सूखा भूनना है इसे। ये लड्डू काफ़ी टेस्टी बनते हैं, पहले भी सभी ने बनाया है और आज भी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। सूखा ये भून चुका है, सूखा भुनने के बाद मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी मैंने तब डाला है जब इसमें से खुशबू आने लगी है। और ये भी भुन गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। फिर से घी डाल दिया है मैंने और इसमें ड्राई फ्रूट भून लेंगे। पहले मखाने भून लेती हूँ, इसमें टाइम लगता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा टेस्ट भी अलग होगा और अच्छे भी लगेंगे। तो एक बार बना के ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट मैंने भून लिए हैं, इनको निकाल लेते हैं। सर्दियों का मौसम है इसलिए मैं गुड़ के बना रही हूँ। अगली बार मैं इसे शक्कर की भी बना के बताऊंगी आपको। इलायची मैंने पीस ली 2 चम्मच शक्कर के साथ में। फिर से घी डाल दिया है मैंने। इसी में गुड़ को पिघला लेते हैं, हल्की सी चाशनी बन जाएगी। और घी के साथ डाला है तो थोड़ा सॉफ्ट बनेगी। हल्का सा पानी डाल दिया है मैंने। घी ये गुड़ करीब 250 ग्राम के करीब लिया है मैंने, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने इसे नॉर्मली मीठा रखा है। जब तक हमारी चाशनी बन रही है मखाने तोड़ लेती हूँ मैं इस तरह से। बाकी को मैंने चॉप कर दिया था। बहुत जल्दी बनते हैं ये लड्डू और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है इसे बनाने में। वो सीजन लड्डू वाला है तो इसे गुड़ से ही बना रही हूँ मैं। ड्राई फ्रूट के ऊपर मैंने चावल का आटा डाल दिया है। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने शक्कर और चिरौंजी का पाउडर डाल दिया है। नारियल पाउडर डाल दिया है मैंने। ये दूध पाउडर है करीब 100 ग्राम के करीब। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं और चाशनी डाल दी है मैंने गुड़ की, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे गर्म रहते ही जल्दी जल्दी बांधना है। इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच से। इस तरह से आप बना के देखेंगे तो बहुत ही अच्छी पिन्नी बनेगी और सबको पसंद आएगी। इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है।
काफी गर्म है, अभी चम्मच से ही मिलाना पड़ेगा इसे। अब मैं इसे हाथ से मिला के जल्दी से तैयार कर दूंगी। हल्का सा पानी का हाथ लगा के जितने भी साइज के आपको लड्डू चाहिए उस हिसाब से आप तैयार कर लें। गरम है तो अभी जल्दी जल्दी बन जाएगा, तो मैं जल्दी कर रही हूँ कि ये जल्दी जल्दी बन जाए। इस तरह आप बनाएंगे तो आपको भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं ये, बना के ज़रूर देखिए। पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सारे लड्डू मेरे बन के तैयार हो गए हैं, इसे गरम गरम ही बांधना है तभी बंधेगा ये। सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।